अभी तक कुछ दिन हमारी क्लास नहीं हो पाई क्योंकि स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया था। आज परंतु फिर से क्लास स्टार्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए तो कुछ क्वेश्चन देखेंगे आए हुए पिछले कुछ एग्जामों में, TGT परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, हाँ देखिए क्वेश्चन है अपने पास में कि cos h² z माइनस sin h² z, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड, इसका मान क्या होगा बताइए। लर्ने ये रटने वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, याद करने वाला क्वेश्चन है। आपने इसका मान याद किया है, बहुत ही सिंपल इसका रटना ही है, इसमें कुछ ज़्यादा साइन सर इसकी वैल्यू वन होती है। हाँ यस एग्जैक्टली बिल्कुल सही, इसका जो मान होता है वन होता है, याद कर लीजिए। कॉस हाई स्क्वायर हाइपरबोलिक जेड माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक जेड का मान नोट कर लीजिए वन, तो इसका आंसर होता है एक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है पचौरी सर नमस्कार, क्वेश्चन देखिए 1/3 - √8 TGT का क्वेश्चन माइनस 1/8 - √8 - √7 प्लस 1/√7 - √6 माइनस 1/√6 - √5 का मान क्या होगा बताइए। 5 आएगा सर, नहीं एक सेकेंड, 3 9 9 9 - 5 14 आएगा सर, कितना आएगा 14। चलिए देखते हैं सर किसका मान कैसे निकालेंगे, प्लेन रेशनलाइजेशन करना है। 14 या 4 आएगा सर, तो रेशनलाइजेशन करेंगे यदि इसको हम, तो रेशनलाइजेशन करेंगे 3 - √8 का, तो ऊपर हो जाएगा 3 + √8 और नीचे 9 - 8 मतलब कि 1 और फिर बीच में माइनस है, 8 - 7 का हो जाएगा √8 + √7 और नीचे 8 - 7 का मतलब 1, फिर बीच में प्लस है तो ये हो जाएगा √7 + √6 और नीचे हो जाएगा 1 और माइनस √6 और प्लस √5 बटे कितना आ जाएगा 6 - 5 यानी कि 1। अब देखिए माइनस साइन यदि ओपन करेंगे तो 3 + √8 है, माइनस √8 माइनस √7 प्लस √7 प्लस √6 माइनस √6 और माइनस का √5। √8 से √8 कैंसिल, √7 से √7 कैंसिल और √6 से √6 कैंसिल, आंसर है 3 - √5। तो इसका नोन सर आंसर 3 - √5। ठीक है सर, ओके सर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको, मैं एक आइडेंटिटी में आपसे पूछना चाहता हूँ। आपको आइडेंटिटी याद है sin 60 - a sin 60 + sin a (sin 60 + a) पता है इसका 3/16 इसका वैल्यू पता है आपको क्या होता है, इसका मान 3/16 गलत बोल रहे हैं सर, इसका मान लिख लीजिए। ठीक है ना, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसका मान क्या होगा sin 60 - a sin a और sin 60 + a, तो इसका सही जवाब है इसका जो मान होगा वो होगा 1/4 sin 3a और इसको कई बार 4 ऊपर चला जाता है, तो 4 sin 60 - a (sin a) (sin 60 + a) तो इसका मान जो हो जाता है वो हो जाता है sin 3a। तो अब देखिए इस पर क्वेश्चन आया यूपी TGT पे, कौन सा क्वेश्चन आया, क्वेश्चन आया साइन
पाई बटे 18 इंटू साइन 5π/18 इंटू साइन 7π/18। अब आप लोग जानते हैं कि पाई बटे 18 पाई यानी 180 डिग्री और 18 भाग करोगे 10 आएगा, तो साइन 10 डिग्री इंटू साइन 10 × 50 डिग्री और इंटू साइन 10 × 70 डिग्री। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक इसको मानेंगे 60 − 1 इसको मानेंगे 60 + 1, तो a बन जाएगा 50। तो साइन ए कितना बन गया, साइन 50। साइन 60 − a यानी 60 − 50, ठीक ना। रुक जाइए, कुछ गड़बड़ हो रहा है। 60 − 10 करेंगे, हाँ, तो साइन ए 10 बनेगा, सॉरी 1/8 आएगा सर। हाँ, तो देखिए साइन ए बनेगा आपके पास साइन 10 और ये बन जाएगा साइन 60 − 10 इंटू साइन 60 + 10। हाँ, तो साइन 60 − a साइन ए, साइन 60 + a क्या पढ़ाए हैं बताइए। इसका इसका फॉर्मूला होता है 1/4 sin 3a। तो 1/4 और साइन ए का 3 गुना, ए कितना है 10, तो ए का 3 गुना कितना हो गया साइन 30, और साइन 30 का मान होता है कितना 1/2, तो 1/4 और 1/2 का मल्टीप्लाई आएगा 1/8। बताइए मित्रों, समझ में आया कि नहीं आया। जी सर। हाँ, तो इसका आंसर होगा कितना 1/8। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगर मैं आपसे पूछूं अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 + ω^n + ω^2n, 1 + ω^n + ω^2n अगर जो है ओमेगा 3 का मल्टीपल ना हो, मतलब जो n है, n इज़ नॉट द 3m, अगर n 3m का मल्टीपल ना हो तो बताइए क्या होगा इसका मान। बताइए क्या होगा इसका मान सर। वैल्यू 0 हो जाएगी। हाँ, 0 हो जाएगी सर, बिल्कुल सही। तो इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है कि अगर n 3 का गुणज हो तो 3 के गुणज के लिए इन तीनों का मान 3 आएगा, और अगर n 3 का गुणज नहीं है तो इन तीनों का मान जो है 3 नहीं आएगा, ठीक ना। तो इसका मान जो आपका कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो बना लीजिए 1 + ω^n + ω^2n = 0। आप ऑप्शन में n = 1 रख करके भी देख सकते हैं, तो 1 + ω + ω^2 = 0 हो जाएगा। ठीक है मित्रों, आ गया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत सरल है। अगला क्वेश्चन है 1 − ω + ω^2 * 1 + ω − ω^2, इसका मान बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। फर्स्ट ब्रैकेट में 1 + ω^2 की वैल्यू रख देंगे माइनस ओमेगा। अरे सर, मान बताइए, मान बताइए सर, बहुत आसान क्वेश्चन है ना सर। 4 आ रही वैल्यू इसकी। बिल्कुल सही सर, 4 आ रही है। बिल्कुल सही, यस यस, बिल्कुल सही वैल्यू है। तो 1 + ω की जगह −ω − ω, और 1 + ω की जगह −ω^2 − ω^2, तो ये −2 हो गया 4, और ओमेगा का क्यूब हो गया 1, यानी कि 4 वैल्यू हो गई। बिल्कुल सही। चलिए ये भी हो गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है PQRS in GP। क्वेश्चन लिखिए PQRS अगर काहे में है, GP में है, तो आपको बताना है 1/P² + Q² 1/Q² + R² 1/R² + S² काहे में होगा। आपको बताना है अगर PQRS आपके GP में है तो 1/P² + Q² 1/Q² + R² और 1/R² + S² किस में होंगे। HP सर, HP में। अच्छा, चलिए देखिए सर कैसे करते हैं इसको। अगर PQRS GP में है, अगर PQRS GP में है, तो P का मान हम मान लेते हैं A,
पी का मान, जीपी में ही आएंगे। चलिए देख लेते हैं, अगर पी क्यू आर एस जी पी में है तो पी का मान हम मान लेते हैं ए, क्यू का मान हम मान लेते हैं ए और कैपिटल आर, क्योंकि स्मॉल आर तो पिक्चर में खुद ही बैठा है, और इसको मान लेते हैं ए आर स्क्वायर और एस का मान मान लेते हैं ए आर क्यूब। अब हमारे पास जो स्टैंडर्ड टर्म बननी है ये हमारे पास है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ओके तो देखिए इसको बना लेते हैं, तो वन अपॉन पी स्क्वायर कितना आएगा भैया ए स्क्वायर, और प्लस क्यू स्क्वायर कितना आएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर, कॉमा वन अपॉन ये कितना आएगा क्यू स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर आर का पावर फोर, कॉमा वन अपॉन आर स्क्वायर एस स्क्वायर यानी ए स्क्वायर आर का पावर फोर प्लस ए स्क्वायर आर का पावर थ्री। ये हो गया हमारे पास। अब देखते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जीपी में हो सकते हैं, तो भाग दे के देखते हैं कि दोनों का क्या होता है, भाग दे के देखते हैं ना। तो दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो वन अपॉन ए स्क्वायर आर स्क्वायर, तो सीधी बात है ये जो है नीचे वाला ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर ऊपर चला गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर ऊपर चला गया, और ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की पावर फोर इधर चला गया। अब ये डिवाइडेड बाई ये करेंगे तो ये चीज़ ऊपर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर का पावर फोर और डिवाइड बाई ए स्क्वायर आर का पावर फोर प्लस ए स्क्वायर आर का क्यूब। चलिए अच्छा एक मिनट, यहाँ पर एस का स्क्वायर है ना, तो एस का स्क्वायर पावर सिक्स हो जाएगा भाई, ये पावर सिक्स कर दीजिए। चलिए देखिए यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आएगा, इधर से भी ए स्क्वायर कॉमन आएगा, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लिया और ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, इधर पे काटा तो वन प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा आर स्क्वायर कॉमन लेने के बाद वन प्लस आर स्क्वायर, बिल्कुल सही है। तो आर स्क्वायर से वन प्लस आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। अब इधर देखते हैं यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ देखिए ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ बच गया वन प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे ए स्क्वायर और आर का पावर फोर कॉमन है, तो वन प्लस आर स्क्वायर, इससे ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो यहाँ भी बना कॉमन डिफरेंस वन अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ भी बना वन अपॉन आर स्क्वायर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जीपी में होंगे। ठीक है आ गया समझ में, नहीं आया क्या? आ गया सर। सर एक बार रिपीट कर देते सर। हाँ जी सर, सिंपल क्वेश्चन है सर, इसमें क्वेश्चन कहा गया है कि अगर पी क्यू आर एस जी पी में है तो एक बटे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉमा एक बटे क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉमा एक बटे आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर किस श्रेणी में होंगे, आंसर है जी पी। ठीक है सर। सर इस क्वेश्चन में हाँ क्यू आर एस को दो टू को एक सिक्सटीन मानकर, हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल सही है, पी क्यू आर एस को अगर आप शॉर्ट ट्रिक, हाँ बिल्कुल हो जाएगा सर। चलिए अगर आप इसको यदि पी क्यू आर एस को क्या कहे सर, तो देखिए ना सर इसमें यदि हमारे पास पी क्यू आर एस जी पी में है, पी क्यू आर एस हमारे पास जी पी में है, तो आपने क्या कहा एक दो चार एक सिक्स और एक दोनी दो दोनी चार दोनी आठ, तो ये भी चल जाएगा ना सर, एक दो चार आठ है ना, ये भी चल जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अब इसके बाद में आप इसको उसमें पुट कर दीजिए वन अपॉन, तो क्या था स्ट्रक्चर अपने पास, वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, वन अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और वन अपॉन आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। आइए देख लेते हैं, तो एक बटे एक का स्क्वायर एक और दो का स्क्वायर चार, तो दो चार एक पाँच हो गया, प्लस कॉमा एक बटे दो का स्क्वायर चार और चार का स्क्वायर सोलह है ना, तो सोलह और चार बीस हो गया, और एक बटे कितना चार का स्क्वायर सोलह और आठ का स्क्वायर चौंसठ, ठीक है ना सर, सोलह और चौंसठ चौंसठ सोलह छः चार दस की सुन कह रही है, एक छः एक सात और एक आठ अस्सी। चलिए अब देखिए बिल्कुल सही बात है, देखिए एक बटे पाँच में एक बटे चार का गुणा करोगे तो एक चौके बीस, और एक बटे बीस में एक बटे चार का गुणा करोगे तो बिल्कुल सही बात है, कॉमन सर्वानुपात समान आ रहा है, मतलब ये क्या है जी पी है। ठीक है मित्रों, ठीक है चलिए अब इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन करते हैं और हम
एक आइडेंटिटी बताइए मुझे कि P यूनियन तीन सेट हैं PQR, P यूनियन Q इंटरसेक्शन R का मान क्या होता है? P यूनियन Q इंटरसेक्शन R का मान क्या होता है? ये सवाल डायरेक्ट पूछा गया था सेट थ्योरी से, P यूनियन Q इंटरसेक्शन R का मान क्या होता है? चार उटपटांग सुटपटांग आंसर दिए थे। इसको बोलते हैं यूनियन का वितरण नियम, और ये बनता है P यूनियन Q इंटरसेक्शन P यूनियन R। नोट कर लीजिए, P यूनियन Q इंटरसेक्शन P यूनियन R। क्लियर है ना मित्रों? यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है HCF यानी कि वो क्या बोलते हैं उसको, HCF को क्या बोलते हैं, गुणोत्तर। HCF को क्या बोलते हैं हिंदी में भैया? महत्तम, नहीं नहीं, महत्तम महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक, हाँ महत्तम समावर्तक, यस महत्तम समावर्तक। LCM को लघुत्तम बोलते हैं, इसको महत्तम बोलते हैं। तो आपको दो फलन दे रहे हैं हम, उनका आपको HCF बताना है। पहला फलन है एक्स स्क्वायर, पहला फलन है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और माइनस टू वाई स्क्वायर, ये पहला फलन है। और दूसरा फलन है आपके पास टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और माइनस का वाई स्क्वायर, ये फलन आपके सामने दिए गए हैं। आपको इनका बताना है कि HCF क्या होगा। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन निकले उसको बोलते हैं वन आएगा। देखिए देखते हैं कैसे करेंगे, चलिए आइए देखते हैं। तो पहला वाला जो पार्ट जाएगा इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, गुणा करने पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो भैया इसको हम लिख सकते हैं माइनस टू एक्स वाई और प्लस का एक्स वाई और माइनस का टू वाई स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस टू वाई, और यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ से वाई कॉमन लेंगे प्लस का, तो एक्स माइनस टू वाई, मतलब इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस टू वाई और एक्स प्लस वाई। ये अपना पहला बहुपद हो गया एक्स माइनस टू वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब दूसरा बहुपद देखते हैं, दूसरा बहुपद हमारे पास है टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, मतलब गुणन करने पर हमारे पास क्या आना चाहिए माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और सम करने पर आना चाहिए माइनस एक्स वाई। तो फलन क्या बनेगा, माइनस टू एक्स वाई प्लस एक्स वाई, तो टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस एक्स वाई और माइनस का वाई स्क्वायर। यहाँ से टू एक्स कॉमन ले लिया तो कितना बचा भैया एक्स माइनस वाई, यहाँ से y कॉमन ले लिया प्लस का तो कितना बचा x माइनस वाई, तो 2x प्लस वाई और x माइनस वाई। अब दोनों में देखिए क्या कोई पॉइंट कॉमन है, कोई टर्म कॉमन नहीं है, इसका मतलब HCF कितना आएगा, एक आएगा। तो करेक्ट आंसर इसका है एक। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? जी सर। हाँ, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा एक। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल BSC का उठाते हैं। क्वेश्चन आया एग्ज़ाम में कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई बराबर जीरो के हल कैसे होंगे, के हल कैसे होंगे, आपको बताना है कि हल कैसे होंगे। ऑप्शन नंबर ए था ऑसिलेटरी, ऑप्शन नंबर बी था एक्सपोनेंशियल, और ऑप्शन नंबर सी था ट्रिग्नोमेट्रिक, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। बताइए मित्रों कैसे करेंगे, डी स्क्वायर वाई माइनस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई बराबर जीरो के हल कैसे होंगे? एक्सपोनेंशियल। चलिए देखते हैं, बहुत ही सरल सवाल है ये, है ना, वेक्ट इसका कैलकुलस का सवाल है। देखिए एक सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है, और CFPI से सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन का जो संपूर्ण हल होता है आपको पता होगा, संपूर्ण हल जो होता है वो होता है y बराबर CF प्लस PI, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस परमानेंट इंटीग्रल, दो पार्ट में इसका हल हुआ करता है। तो अब देखिए जो PI जो बनता है वो इधर से बनता है कि बराबर के इस तरफ क्या है, तो बराबर के इस तरफ जीरो है तो ये तो जीरो हो जाएगा,
मतलब इसका आंसर वाई बराबर सी एफ आएगा। अब आइए हम सी एफ निकालते हैं। तो सी एफ निकालने का क्या तरीका था? सी एफ निकालने का तरीका था कि इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को वॉच करो, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई उसके लेफ्ट हैंड साइड को जीरो से इक्वल पुट कर दो, तो ये क्या बन जाता था? इसको एम बोलते थे, तो इसको हम बोलते थे एम स्क्वायर। ये क्या है एक्चुअली? ये है वाई डबल डैश माइनस वाई बराबर जीरो। ओके, वाई डबल डैश माइनस वाई बराबर जीरो। तो इसका जो आपका समीकरण बनेगा ये क्या बनेगा? देखो भैया, ये है डबल डेरिवेटिव, दो बार का डबल डेरिवेटिव, यानी डी डबल डैश माइनस सिंपल वन वाई बराबर कितना? जीरो। ये बन गया इसका अवकल समीकरण, हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको देख करके अपना बनता था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो क्या बनेगा भैया? एम स्क्वायर माइनस वन बराबर जीरो, तो एम स्क्वायर इक्वल टू प्लस वन, तो एम इक्वल टू प्लस माइनस वन, ये आ गया। तो एम इक्वल टू प्लस माइनस वन, अब आपको पता होगा कि एम इक्वल टू प्लस माइनस वन रियल अलग अलग आने पर जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता था वो आता था सी वन ई की पावर अल्फ़ा एक्स प्लस सी टू ई की पावर बीटा एक्स, जहाँ पे अल्फ़ा और बीटा क्या होते थे? रूट होते थे। तो यहाँ अल्फ़ा निकला है प्लस वन और बीटा निकला है माइनस वन, तो जो सी एफ आएगा वो निकलेगा सी वन ई की पावर अल्फ़ा यानी कि वन एक्स और सी टू ई की पावर बीटा यानी माइनस वन एक्स। तो भैया कितना हो गया ये? ये हो गया सी वन ई की पावर एक्स और सी टू ई की पावर माइनस एक्स, जो कि एक चर घातांकीय फलन है, इसलिए जो इसका हल होगा वो कैसा होगा? एक्सपोनेंशियल। यहाँ पर जो इसका हल मिलेगा वो हमको एक्सपोनेंशियल मिलेगा। मित्रों बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? बताइए, क्लियर है? जी सर। हाँ, तो इसका जो हल मिलेगा हमको वो चर घातांकीय हल मिलेगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि यदि आपके पास समीकरण दे रहा हूँ आई जेड क्यूब माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आई बराबर जीरो, ये एक आपके पास एक कॉम्प्लेक्स समीकरण दिया गया है, तो आपको बताना है तो मॉड जेड का मान क्या होगा? तो मॉड जेड का मान क्या होगा? ठीक है ना, मॉड जेड का मान क्या होगा आपको बताना है, मॉड जेड का मान क्या होगा? ऑप्शन है ए वन, बी माइनस वन, सी है टू और डी है थ्री। यूपी टीजीटी का आया हुआ क्वेश्चन, बताना है इसका मान क्या होगा। चलिए बताइए भाई। देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को, कोई बता सकता है? देखिए यहाँ पे जेड स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो कितना बनेगा? आई जेड माइनस वन। ठीक है ना, जेड स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आई जेड माइनस वन। अब देखिए ये क्या है? माइनस जेड है, तो माइनस जेड का मतलब मैं लिख सकता हूँ आई स्क्वायर जेड प्लस आई इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया जेड स्क्वायर ब्रैकेट में आई जेड माइनस का वन, और यहाँ से आप अगर जो है क्या कॉमन ले लें, यहाँ से एक मिनट जी, मिस्टेक हो गई है, ये प्लस जेड स्क्वायर है तो यहाँ प्लस वन आएगा, यहाँ प्लस वन आएगा, और यहाँ से अगर आप प्लस आई कॉमन ले लें तो ये बनेगा आई जेड प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब आई जेड प्लस वन और जेड स्क्वायर प्लस आई इक्वल टू जीरो, दो चीज़ें हो गई, एक आई जेड प्लस वन और एक जेड स्क्वायर प्लस आई इक्वल टू जीरो। यहाँ से उठाइए तो आई जेड प्लस वन बराबर जीरो, यानी आई जेड इक्वल टू हो गया कितना? माइनस वन। आई जेड इक्वल टू हो गया माइनस वन। ठीक है, तो आई जेड इक्वल टू हो चुका है माइनस वन। अब यहाँ से आप चाहें तो, अब आपको मॉड जेड चाहिए है तो मॉड जेड यदि यहाँ से आपको चाहिए है तो जेड की वैल्यू निकाल लें, तो जेड इक्वल टू माइनस वन अपॉन आई, तो जेड इक्वल टू माइनस वन अपॉन आई इंटू इधर पे भी आई और इधर पे भी आई,
मतलब z इक्वल टू आई आई हो गया माइनस वन, ये हो गया माइनस आई, तो z का मॉड इक्वल टू माइनस आई का मॉड दैट इज इक्वल टू वन। तो करेक्ट आंसर होगा इसका a, मॉड z इक्वल टू वन। हाँ जी समझ में आ रहा है? जी सर हो गया था पहले ही, हाँ कर लिया था। तो मॉड z इक्वल टू कितना आ जाएगा सर? वन आ जाएगा one. इधर से सर इसने हाँ. आपने जो भी यहाँ पे किया है हाँ. जेड इक्वल टू माइनस वन अपॉन आई, तो माइनस वन को डायरेक्ट लग दें आई स्क्वायर, तो आई ही बचेगा, माइनस आई कैसे बचेगा? बिल्कुल आई ही बचेगा आई स्क्वायर को। आप, हाँ सर हाँ, मेरे यहाँ मेरे से गलती हो गई सर, आई स्क्वायर माइनस वन आएगा तो एक माइनस कैंसिल हो जाएगा, सही कह रहे हैं सर आप, है ना, एक माइनस कैंसिल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अपने पास में, क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट टू कॉमा रूट सेवन टू द हाइपरबोला। लिखिए द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट टू कॉमा रूट सेवन, टू कॉमा रूट सेवन टू द हाइपरबोला, टू द हाइपरबोला, ओके टू द हाइपरबोला क्या 16x² - 9y² इक्वल टू वन। चलिए हल करिए, 16x² - 9y² इक्वल टू वन के इस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण, नॉर्मल का समीकरण बताइए क्या होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, आप सब लोग जानते हैं कि टेंजेंट का स्लोप, स्पर्श रेखा का स्लोप होता है dy बाई dx, और नॉर्मल का स्लोप, अभिलंब का स्लोप होता है माइनस एक बटे m। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले dy बाई dx निकालना है इस बिंदु पर, उस पर फिर आप ये पॉइंट रख देंगे तो आपके पास स्लोप आ जाएगा स्पर्श रेखा का, उसको आप माइनस वन अपॉन m कर देंगे तो आपके पास अभिलंब का स्लोप आ जाएगा। आइए करते हैं इसको सॉल्व। तो y अपने पास फलन है 16x² - 9y² इक्वल टू वन, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 32x - 18y डी वाई डी एक्स इक्वल टू वन। तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू हो गया कितना भैया, इसको जीरो हो गया सॉरी, ये तो भूल गया कितना, माइनस का 32x और माइनस 18y से कैंसिल हो गया, इसको क्या कर दीजिए आप, दो से काट दीजिए तो दो नाम 18 दो 16 32, तो कितना आ गया 16x/9। मतलब जो डी वाई डी एक्स की वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है 16x/9, है ना, और अपॉन में वाई भी है, कहाँ आ गया वाई देख लीजिए आप एक बार, वाई का वैल्यू कहाँ से आई, ये नीचे वाई बैठा था हम भूल गए थे, ये वाई का वैल्यू आ गया है 16x/9 एक्स अपॉन वाई, तो ये आ गया है। और हमारे पास पॉइंट क्या दिया गया है, 2, √7, हमारे पास जो पॉइंट दिया गया है वो दिया गया है 2, √7, ठीक है ना, तो एक्स की जगह 2 रखना है और वाई की जगह हमें √7 रखना है। तो डी बाई डी एक्स एट द पॉइंट 2, √7 जिसको हम एम बुलाते हैं कितना हो जाएगा 16 × 2 / 9√7 जिसको बोल देंगे 32/9√7। ये आ गया अपने पास में किसका स्लोप आ गया, ये टेंजेंट का, एम टेंजेंट का। अब आपको चाहिए है अभिलंब का स्लोप, तो आप जानते हैं अभिलंब का स्लोप बराबर -1/m, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास -9√7/32 स्लोप आ गया अभिलंब का। अब इसको आप हल कर दीजिए, इसको आप हल कर दीजिए, तो कैसे हल करेंगे देखिए, अपने पास फॉर्मूला y − y1 = m × x − x1, y − y1 किस बिंदु से जा रहा है √7, m कितना आया है, m आया है अभी अभी −9√7/32, और x − x1 यानी किस बिंदु से जा रहा है 2, क्योंकि हमारे पास बिंदु जो दिया है वो दिया है 2, √7, तो x − 2, ये हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा
इसको अब आप आराम से सॉल्व कीजिए, तो y माइनस रूट सेवन इक्वल टू 9/32 रूट सेवन, और x को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 माइनस एक्स। अब इसको हल कीजिए तो आपका आंसर हल करने पर आएगा कितना, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, 32y माइनस, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 32y माइनस 32 रूट सेवन बराबर 9 × 2 = 18 रूट सेवन, और माइनस का कितना 9√7x ये आ गया, ठीक ना, 9√7x। अब इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिखेंगे तो 9√7x यहाँ जाएगा, तो 9√7x प्लस 32y बराबर, देखो न अपने पास क्या, 18 बार रूट सेवन और 32 बार रूट सेवन, तो ये आ जाएगा 50 बार रूट सेवन, यही इसका आंसर है ऑप्शन में, बताइए सर। ठीक है, आ गया सभी को समझ में? हाँ सर, कर लिया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, आज का अंतिम क्वेश्चन मानेंगे इसको। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन का कहना है यदि x बराबर अल्फा, TGT का आया हुआ क्वेश्चन, इफ़ x इक्वल टू अल्फा कॉमा x इक्वल टू बीटा, एक x बराबर अल्फा है और एक x बराबर बीटा है, कह रहा है कि यदि ये समीकरण कॉस स्क्वायर x प्लस ए कॉस x प्लस बी बराबर जीरो को तथा साइन स्क्वायर x प्लस पी साइन x प्लस क्यू बराबर जीरो को संतुष्ट करते हैं, तो आपको बताना है कि सही रिलेशनशिप कौन सी होगी, सही रिलेशनशिप कौन सी होगी। ऑप्शन नंबर ए है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी है ए प्लस पी इक्वल टू बी प्लस क्यू, ऑप्शन नंबर सी है बी प्लस क्यू इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस टू, और ऑप्शन नंबर डी है बी प्लस क्यू इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये चार ऑप्शन हैं और आपको इन चारों ऑप्शन को देख करके बताना है कि सही सिचुएशन कौन सी है। ठीक है, देखो हो क्या रहा है, हमारे पास दो समीकरण दिए गए हैं और हमें ए बी पी और क्यू में रिश्तेदारी निकालनी है, मतलब कुल मिला करके हमें जो है कॉस एक्स और साइन एक्स को गायब करना है। जब तक कॉस एक्स साइन एक्स अपने पास गायब नहीं होंगे तब तक अपना काम नहीं बन पाएगा। अब देखिए अपने पास जो पहला समीकरण क्या है, क्या कह रहा, अल्फ़ा और बीटा इसके मूल हैं, अल्फ़ा और बीटा सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब अल्फ़ा और बीटा क्या है, इसके मूल हैं। यस, तो देखिए अपने पास जो पहला समीकरण है वो क्या है, पहला समीकरण है अपने पास कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, इसके मूल कौन है, अल्फ़ा और बीटा। तो भैया ये जो समीकरण है ये कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स में है, तो हम देखेंगे मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है ना, इसके मूल जो बनेंगे। अब कह रहा है इसमें कि इसके जो मूल बनेंगे एक्स इक्वल टू अल्फ़ा और बीटा सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसके दो मूल बनेंगे, एक बनेगा कॉस अल्फ़ा एक बनेगा कॉस बीटा, क्योंकि ये वर्ग समीकरण कॉस एक्स में है, तो एक मूल बनेगा कॉस अल्फ़ा और एक मूल बनेगा कॉस बीटा इक्वल टू माइनस का ए, पहला समीकरण नंबर वन, और मूलों का गुणनफल कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा इक्वल टू बी, समीकरण नंबर दो। अब अगली बात करते हैं, अगले अपने पास जो समीकरण है वो क्या है, वो है साइन स्क्वायर एक्स प्लस पी साइन एक्स प्लस क्यू बराबर जीरो, और ये कह रखा है कि इसके भी मूल कौन है, अल्फ़ा बीटा है, मतलब साइन अल्फ़ा और साइन बीटा इसके मूल बनेंगे, तो साइन स्क्वायर साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा मूलों का योग बराबर माइनस पी, और मूलों का गुणनफल यानी साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा बराबर कितना हो गया, क्यू हो गया है। अब हमें इन सब चीज़ों को ले करके हमें गायब करना है, किसको, आपके पी को, ए एक्स और वाई को, तो हम यदि इनको गायब करने की सोचें तो हम क्या करते हैं, समीकरण एक का और तीन का वर्ग करके जोड़ देते हैं, तो हम वर्ग करके जोड़ देते हैं तो
कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा और प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, देखिए जरा समीकरण में, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा ए है और ये पी है, तो ये हो जाएगा अपने पास में ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब इसको वैल्यू ऐड करके जोड़ दीजिए, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस टू साइन अल्फा साइन बीटा। कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा वन हो गया, कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा क्या हो गया, टू हो गया, है ना। तो ये हो गया वन प्लस वन यानी कि टू प्लस टू कॉस अल्फा कॉस बीटा और साइन अल्फा साइन बीटा, टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, टू टू साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास कॉस अल्फा कॉस बीटा की वैल्यू कितनी है, बी है, और साइन अल्फा साइन बीटा की वैल्यू कितनी है, क्यू है। तो यहाँ से हम रख सकते हैं टू प्लस टू कॉस अल्फा और कॉस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, बी है, और साइन अल्फा साइन बीटा की वैल्यू जो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास वैल्यू क्यू है। तो ये हो गया टू प्लस टू बी प्लस टू क्यू, क्योंकि साइन बीटा साइन अल्फा की वैल्यू भी दी गई है, साइन के अल्फा साइन बीटा की वैल्यू क्यू है। तो अपने पास सारा कुछ अरेंज हो चुका है, तो क्या बन चुका भैया अपने पास, अपने पास बन चुका है कि टू प्लस टू बी प्लस टू क्यू इक्वल टू अपने पास क्या चुका है, ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एक सेकंड जरा चेक कर लें कुछ गलती तो नहीं हुई है, तो अपने पास ठीक है बिल्कुल सही है। तो अब क्या कर सकते हैं इसमें अपन, अब इसमें ये कर सकते हैं अपन कि हमें जो रिलेशनशिप चाहिए थी वो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, टू कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में b प्लस क्यू बराबर ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस टू, और यही हमारा ऑप्शन नंबर b है, सॉरी टू लगाना भूल गया था मैं, टू ए प्लस पी, ये वाला ऑप्शन सॉरी c नंबर। तो टू टाइम a प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, टू टाइम b प्लस क्यू इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस टू, ये क्वेश्चन है, टू टाइम b प्लस क्यू इक्वल टू, तो ये हमारे पास रिलेशनशिप आ चुकी है, टू टाइम बी प्लस क्यू इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस टू, यही हमारा आंसर है। बताइए मित्रों समझ में आ गया कि नहीं आया, हेलो, हाँ सर क्लियर है सर, जी सर क्लियर, चलिए।